21 अक्टूबर 2021 साल का सबसे बड़ा मैच रोमन रेंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में क्राउन ज्वेल 2021 पे देखने को मिलेगा, जहां पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप दांव पे लगी होगी। दोस्तों यहां पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के अलावा पॉल हेमन की लॉयलिटी भी दांव पे लगी हुई है। आखिर पॉल हेमन अपने 18 साल पुराने याराना यानी कि ब्रॉक लेसनर से लॉयलिटी निभाएंगे या रोमन रेंग्स के साथ बने रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पास तरीके जिससे पॉल हेमन के एक्शंस रोमन रेंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का आउटकम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। पॉल हेमन को दोस्तों WWE की गिरगिट माना जाता है। जिस तरीके का रंग देखते हैं वैसा ही रंग अपना लेते हैं, जैसा देश वैसा भेष। दोस्तों पॉल हेमन के न जाने कितने पॉल हेमन गाइस बने हैं, CM पंक, रोमन रेंग, रायबैक, कर्टिस एक्सल, ब्रॉक लेसनर, पर सबसे बड़ा टेस्ट पॉल हेमन के लिए क्राउन ज्वेल 2021 है, क्योंकि पॉल हेमन के दो सबसे बड़े क्लाइंट ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंग्स एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे पॉल हेमन, हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पे है कि पॉल हेमन प्रूव करेंगे कि वो 100% कमिटेड है ब्लड लाइन के लिए क्राउन ज्वेल 2021 पे। वो रोमन रेंग्स की मदद करेंगे और ब्रॉक लेसनर के खिलाफ रोमन रेंग्स को यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करने में मदद करेंगे। वो ऐसा गेम प्लान तैयार करेंगे ब्लड लाइन का उसोस और रोमन रेंग्स के साथ मिलके, जिससे वो ब्रॉक लेसनर को हराने में कामयाब रहेंगे और ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंग्स अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर पाएंगे। चौथे नंबर पे हमारी काउंटडाउन लिस्ट में है कि पॉल हेमन डर के मारे हमें क्राउन ज्वेल 2021 पे ना ही ब्रॉक लेसनर ना ही रोमन रेंग्स के साथ आते हुए दिखेंगे। ऐसा होना भी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ भी एडवोकेट ड्यूटी निभा रहे हैं पॉल हेमन और दूसरी तरफ स्पेशल काउंसिल की ड्यूटी निभा रहे हैं रोमन रेंग्स के लिए। पॉल हेमन एक नया ट्विस्ट लाने के लिए यहां से गायब हो सकते हैं और हमें क्राउन ज्वेल 2021 पे पॉल हेमन के बिना ही हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंग्स यूनिवर्सल टाइटल मैच के लिए भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 3 है कि पॉल हेमन अपने लिए एक नया पॉल हेमन गाय लेकर आ सकते हैं NXT से, जो पॉल हेमन के कहने पे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंग्स दोनों पे ही अटैक कर दे और इस सुपरस्टार का नाम हो सकता है ब्रॉन ब्रेकर। दोस्तों ये NXT का एक ऐसा रेसलर है जिसे रोमन रेंग्स और ब्रॉक लेसनर के बाद अगला फ्यूचर माना जाता है, इसीलिए पॉल हेमन के साथ ब्रॉन ब्रेकर को लगा देना अभी से काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंग्स दोनों से ही बचने के लिए एक NXT से नया सुपरस्टार ला सकते हैं, जो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंग्स दोनों पे ही अटैक करे और पॉल हेमन दोनों ही सुपरस्टार को छोड़ के इस NXT के सुपरस्टार को हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन या मंडे नाइट रॉ में मैनेज करते हुए दिख जाएं। इसके बाद दोस्तों हमारी काउंटडाउन लिस्ट पे नंबर 2 पे है कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के लिए फॉल्स गेम प्लान बनाएं कि कैसे ब्लड लाइन को क्राउन ज्वेल 2021 पे ब्रॉक लेसनर डिफीट कर सकते हैं, पर आखिरी में ब्रॉक लेसनर को धोखा देके पॉल हेमन के साथ अपनी लॉयलिटी दिखा के वो ब्रॉक लेसनर के साथ ही धोखेबाजी कर सकते हैं, जिससे ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने में रोमन रेंग्स के खिलाफ नाकाम हो सकते हैं। पर दोस्तों नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग जो हो भी सकता है वो ये है कि पॉल हेमन अपनी लॉयलिटी ब्रॉक लेसनर के साथ पूरे 18 साल की दोस्ती फिर से निभाएं और रोमन रेंग्स को धोखा दें क्राउन ज्वेल 2021 पे और पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर की मदद करें और रोमन रेंग्स से यूनिवर्सल टाइटल जीतने में ब्रॉक लेसनर की हेल्प करें और ब्रॉक लेसनर का साथ दें रोमन रेंग्स के खिलाफ। तो दोस्तों ये 5 एक्शन है जो पॉल हेमन हमें क्राउन ज्वेल 2021 पे लेते हुए दिख सकते हैं। हम आपसे इस वीडियो में पूछना चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग पॉल हेमन क्या करने वाले हैं क्राउन ज्वेल 2021 पे। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।